हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपना फिशर कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा। तो मैं प्रॉपर फिशर नहीं कर रही हूँ, बीच में कुछ चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एसपी का क्लिनजर यूज़ किया है, जो कि अभी तो मेरा सबसे फेवरेट क्लिनजर जा रहा है। सो इससे मैं अच्छे से क्लिनजिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा पानी जो उनसे ज़्यादा आ गया था हाथ में, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा अजीब सा मूवमेंट है। उसके बाद आपने क्लिनजिंग करनी है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बड़ी तेज़ कर रही हूँ, बट आपने आराम से अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है। एंड अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 मिनट्स अपने फेस की अच्छे से क्लिनजिंग करें, और अगर नहीं है तो फिर आप 10 मिनट्स कर लें या 5 मिनट्स कर लें, पर अच्छे से करें। मेक श्योर सारे स्टेप्स को आप यूज़ करें, जो जो स्टेप क्लिनजिंग में यूज़ होते हैं। इसके बाद मैंने यूज़ किया था मसाज क्रीम एसपी की ही, और इसका ना बड़ा मज़े का टेक्सचर है। मतलब जब आप इससे क्लिनजिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपके फेस में एक ठंडा ठंडा लगने लग पड़ता है, और वो इतना मज़ा आता है ना। यहाँ पे मेरी आंखें भी बता रही हैं कि इतना मज़ा आ रहा है। सो इसलिए ये वाली जो क्रीम है ना, जब आप इससे मसाज करते हो तो फिर आप करते ही रहते हो, बिकॉज इतना मज़ा आता है इससे मसाज करने का। यहाँ पर मेरे पिम्पल्स के जो से निशान थे, इसलिए मैं उन पर अच्छे से कर रही थी। अब बारी थी मेरी स्किन केयर की, तो मैंने पहले हाइलुरोनिक एसिड लगाया। इसको अपनी आईज़ के नीचे ज़्यादा लगाती हूँ, बिकॉज़ वो एरिया जो सा है वो मेरा ड्राई है। बाकी मेरी फेस ऑयली है, बट जो मेरी आईज़ का नीचे वाला एरिया है वो ड्राई है। तो इसको भी अच्छे से आपने अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके बाद बारी थी जैनसन की, जो कि मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो इसकी बारी थी, और यहाँ पे भी मैं यही बता रही कि मेरा फेवरेट है। इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ अपने फेस पे। ये एक्चुअली क्लिंजर है, बट मैं इसको एज अ मॉइस्चराइज़र और क्रीम भी यूज़ करती हूँ। सो इसको मैं अच्छे से लगा रही हूँ। उसके बाद टूनर की बारी थी। जो टूनर, ये वाला टूनर था, ये ओपन पोर्स को बंद करने के लिए था। सो मैंने इसको जिधर जिधर मुझे पोर्स थे और जिधर जिधर पिंपल्स थे उधर उधर लगाया। उसके बाद मैंने जो जैनसन का टूनर होता है उसको मैंने अपने चीक्स और नोज़ और फोरहेड पर लगाया, क्योंकि वो ग्लो के लिए और स्किन को इवन करने के लिए है। सो इसलिए यहाँ पर मैं वही लगा रही हूँ। ये काफ़ी छोटी बॉटल है मेरे पास, मुझे बड़ी बॉटल चाहिए इसकी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, एक थम ग्लो लेके आता है। मैं अपने मेकअप करने से पहले इसी को यूज़ करती हूँ। सो यार, ये है फाइनल मेरी स्किन, जो कि फेशियल के बाद है। आई होप यू लाइक इट।